अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत अब्दुल रहमान बिन जैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत आता बिन यसार और हज़रत सुलेमान बिन यसार चंद रुफ़क़ा के साथ हज के लिए रवाना हुए, चंद साथियों के साथ, दोस्तों के साथ। मुकाम अब्वा पर काफ़िले ने क़याम किया तो काफ़िले वाले किसी काम से चले गए, जबकि हज़रत आता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह सामान के करीब नमाज़ पढ़ने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि करीबी बस्ती से एक हसीन और जमील औरत आई और आपको गुनाह की दावत देने लगी। आपने इससे फरमाया, जा यहाँ से चली जा। औरत मुसलसल दावत गुनाह देती रही और आप इनकार करते रहे, यहाँ तक कि आपने रोना शुरू कर दिया। आपकी गिरिया उजारी देखकर वो भी रोने लगी। इतने में हज़रत सुलेमान बिन यसार आ पहुँचे, आपको रोता देखकर वो भी रोने लगे। फिर शुरकाए काफ़िले में से जो भी वहाँ आता उन्हें देखकर रोना शुरू कर देता। फिर वो औरत अपनी बस्ती की तरफ चली गई। दूसरे लोग भी एक एक करके खड़े हुए और अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। किसी ने भी हज़रत आता रहमतुल्लाह अलैह के रोबो जलाल के सबब उस औरत और रोने के मुताल्लिक़ न पूछा। हज़रत सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा कि ऐ मेरे भाई, उस औरत का क्या किस्सा था? फरमाया, मैं तुम्हें सारा वाक़या बताता हूँ, लेकिन ख़बरदार, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ तुम किसी को ना बताना। फिर आपने पूरा वाक़या सुनाया और कहा कि उसी रात मुझे ख्वाब में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। मैं रोने लगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें किस चीज़ ने रुलाया है? मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान, मुझे आपके क़ैद में जाने, हज़रत याकूब से जुदाई, अज़ीज़ मिस्र की बीवी के मामले में आजमाइश में मुब्तला होने, आपकी पाक दामनी और सब्र व शुक्र पर ताज्जुब हो रहा है। ये सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुझे उस शख्स पर ताज्जुब नहीं हो रहा जिसे एक देहाती औरत का वाक़या पेश आया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर मैं समझ गया कि आपने किस वाक़ये की तरफ इशारा फरमाया है। हज़रत सुलेमान बिन यसार ने हज़रत आता बिन यसार की ज़िंदगी में यह वाक़या किसी को न बताया। इनके इंतकाल के बाद अपने घर वालों को ये वाक़या बताया। फिर ये वाक़या पूरे शहर में मशहूर हो गया। इस वाक़ये को उयूनुल हिकायत की पेज नंबर 382 पर बयान किया गया है। अब इससे अंदाज़ा करो मेरे भाइयों और मेरे बहनों कि गुनाह की दावत तो हमें हर कोने से मिल रही है, लेकिन वो जो अपने दामन को बचा लेता है, गुनाह से बच जाता है, उसको अल्लाह ताला शर्फ अता करता है। गुनाह से बचने का, नेकी पे कायम रहने का, सिरात मुस्तकीम का और दीन में तरक्की भी नसीब होती है। देखें, अल्लाह के जो औलिया होते हैं उन्हें ख्वाब में अम्बिया की ज़ियारत हुई और अम्बिया ने उन पर उस राज को फाश किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारे बुज़ुर्गाने दीन अपनी इज़्ज़त की हिफाजत किस तरह किया करते थे। उन्हें दुनिया की रंगीनी गुनाह पर आमादा न कर सकती थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके सदक़े हमें भी हर आन गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नेकियों की तरफ राग़िब होने और बुरे कामों से बचने का जहन बनाने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें बाहया नौजवान बनाए, अगर नौजवान हो, या बाहया इंसान बनाए, किसी उम्र में हो, जो मुसलमान अपनी किसी खालिस नेकी को बारगाहे खुदाबंदी में वसीला बनाकर इखलास से दुआ करे तो कवी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। इसलिए कभी मुसीबतों में फंस जाओ तो अपने नेक कामों को वसीला बनाओ। वैसे तो नेकी कर दरिया में डाल का मतलब यह है कि उसको जताते ना फिरो, लेकिन अपने रब को मनाने के लिए, उसकी रहमत को जोश में लाने के लिए, ये तो बुखारी में भी हदीस आती है, आपको याद होगा, वो 3 मुसाफिर जो फंस गए थे और गार का मुँह बंद हो गया था, तो उन्होंने अपने अपने नेक कामों के वसीले से दुआ मांगी और फिर अल्लाह ताला ने उसे उनके लिए आसानी पैदा फरमाई। इमाम तकी उद्दीन सुबकी शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाजतमंद शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे और आपकी बरकत के तुफ़ैल से अपनी हाजत तलब करे, ये हर हालत में जायज़ है, ख्वाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले हो या ज़ाहिरी हयात में या विसाल ज़ाहिरी के बाद, और हर हालत में उसके जवाज़ पर अहदीस मुबारक मौजूद है। आपके इस कौल को शिफ़ा उस्सक़ाम फ़ी ज़ियारत ख़ैरिल अनाम में सफ़ा नंबर 358 पर बयान किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, अल्लाह ताला हमारे हाल पे करम करे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने वही फरमाई कि ऐ ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और अपनी उम्मत से कहो कि जो भी उनको पाए उन पर ज़रूर ईमान लाए। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं आदम को पैदा ना करता, और अगर वो ना होते तो मैं जन्नत और जहन्नुम को भी पैदा ना करता। मैंने अर्श को पानी पर पैदा किया तो वो हिलने लगा, बस मैंने इस पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा तो ठहर गया। इस रिवायत को इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में रिवायत किया है, हदीस नंबर 4285। इमाम तकी उद्दीन सुबकी शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाते हैं कि ज़ाहिरी हयात मुबारक में भी आपकी ज़ात वाला सिफ़ात को वसीला बनाना जायज़ है। इसके सबूत के लिए वो रिवायत काफ़ी है जिसमें वसीले की बरकत से आँखें रोशन हो गई, जो मैं आपको पहले भी पिछले भी दुरूस में हज़रत उस्मान इब्ने हुनैफ़ रदियल्लाहु ताला अन्हु वाली रिवायत बता चुका हूँ। तो इस कौल को हज़रत तकी उद्दीन सुबकी शाफ़ई वाले इसे शिफ़ा उस्सक़ाम फ़ी ज़ियारत ख़ैरुल अनाम में सफ़ा नंबर 370 पर बयान किया गया है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की वालदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रदियल्लाहु ताला अन्हा फ़ौत हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दुआ फ़रमाई कि अल्लाह मेरी माँ फ़ातिमा बिन्त असद की मग़फ़िरत फ़रमा और अपने नबी और मुझसे पहले अम्बिया के हक़ के सदक़े यानी वसीले से इनकी क़ब्र को वसीअ फ़रमा। ये मोजम उल कबीर की रिवायत है, हदीस 871। तो इमाम तक़ीउद्दीन सुबकी शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं, जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात से तवस्सुल जायज़ है, आपकी ज़ात से तवस्सुल जायज़ है, तो इसी तरह इन बुज़ुर्गों के ज़रिए भी तवस्सुल जायज़ और मुस्तहसन है जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्हें ख़ास निस्बत हासिल है। तो इससे भी आप शिफ़ा उस्सक़ाम में रिवायत करते हैं, सफ़ा नंबर 376। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपकी सहूलत के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है और टेलीग्राम का चैनल भी बना हुआ है, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोज़ देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।